लगता है आपकी पूछ गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? ऐसे गिर गई थी। तो यहाँ पर मिलिए मेरे क्लासमेट से, कॉलेज में हम साथ पढ़े थे। हेलो, मेरा नाम संदीप कुमार है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आज काशी ऋषि के दरबार में घूमने आए हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ ऑफ कुल्लू। सो गाइस, कैसा आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको मैं दिख रही हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने, हमारे जो कॉलेज में बीएड कॉलेज जेबीटी वाले सारे जा रहे हैं, मतलब पूरा कॉलेज जा रहा है घूमने। तो 3 बसेस जा रही है। तो अभी हम है गरसा में, तो जाएंगे हम पराशर घूमने। तो आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, आगे बने रहेगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइज, अभी मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। यहाँ पर देखिए दिव्या, शालिनी, सुषमा, तो ये सभी भी हो गए हैं रेडी। सारे बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, देख लीजिए, देख लीजिए खूबसूरत परियों को। ये देखिए गाइज, ये रही हमारी बस। अभी ये गरसा से जाएगी, एक बस कुल्लू से आएगी, एक पता नहीं कहाँ से आएगी, उतना मेरे को पता नहीं है। तो अभी हम बस में बैठेंगे, अभी शायद थोड़ी देर बाद जाएंगे सारे। फाइनली गाइज, हम बस में आ गए हैं, बैठ गए हैं। हेलो 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 गाइज, अभी ये गाने के लिए बोल रहे हैं भाई। यहाँ देखिए, व्यू इज ऑसम, बहुत ही ज्यादा हरियाली, पेड़ पौधे आपको मिलेंगे जब आप पराशर जाएंगे। और ये हमारी बसें जा रही आगे, यहाँ देखिए पेड़ ही पेड़। शरा देवारी शिया देवी, जय जय
अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं चंद क्षणों की दूरी बची है और इन वीरों ने एक्सट्रीम लेवल के मजे किए हैं मैं बोलूं। और सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं। हाय कैसे हो सारे, कैसे हो क्या? सो सामने आप देख सकते हैं कितना बहुत ही अमेजिंग दृश्य। और ये रही प्रेशर लेक, प्रेशर झील, और ये सामने टेम्पल। अब इन सब की एनर्जी वेस्ट हो गई है भाई, अब नींद से चीखा जाएगा। सो गाइज अभी यहाँ पर सभी दर्शन के लिए आ गए हैं। नंगे पांव परिक्रमा पूरी करेंगे झील की। यहां से मैं आपको पूरा दिखाती हूँ पराशर टेंपल मंदिर। यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से लगाते। तो यहां से परे तक झील है और यहां पर इनका फोटो शूट हो रहा है। चलिए बताइए सुषमा जी थोड़ा सा। हाय गाइस, तो हम आज आए हैं पराशर ऋषि। और ये है पराशर ऋषि का मंदिर, शादी वाले रहने के लिए बने हैं। और ये मंदिर, अच्छा जो ये है, ये वाली है झील। और जो परे वाला टापू है ऐसे बोलते हैं कि जो ये है कि मतलब चलता है, घूमता है। अच्छा हाँ, बीच वाला ये देता है पर ये घूमता रहता है, ऐसा बोला जाता है। ये तोता ही है, ये घूमता रहता है। जो बीच में ये घास का ये दिखेगा ना झील में, तो ये घूमता रहता है। मतलब ये यहाँ पर हर किसी को पता नहीं, जैसे बोलते हैं कि पौराणिक कथा में कि जब मैं 4 साल पहले आई थी बीच में था और जब इस बार आई तो द लास्ट कोने पर पहुंचा था। हाँ ये दिखता नहीं है बोला घूमते हुए ना, पर घूमता है ये। क्या मंडी डिस्ट्रिक्ट में? हाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट प्रेशर झील। यहाँ पर एक क्या होता है कि सिक्के फेंकते हैं, अगर इसके अंदर चला गया तो उनकी इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ पर अभी ये सभी वैसा कर रहे हैं। शिवा दी दो मेरे को, मेरे पास थैंक यू सो मच। ए चला गया शिवा दी का, गया सबसे पहले मेरी विश पूरी हो गई। ओके गाइस अभी आ गई है अपने क्लासमेट। हेलो रुको रुको रुको, पर आती हूँ। दोनों की फोटो लेना है, वीडियो बना रहे हैं हम आपकी। चलो उस से होने वाली है परिक्रमा कंप्लीट। तब हो गई पूरी परिक्रमा? यस हो गई। कैसी रही? अच्छी। चलिए तो हाँ पूरी परिक्रमा यहाँ से करनी है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर खत्म। सच में बाबे लग रहे हैं। सही में परे से दो फॉरनर आते हुए। हेलो परिक्रमा पूरी, देसी फॉरनर, देसी फॉरनर। ये यहाँ पर बाबा जी परिक्रमा पूरी यहाँ पर करनी है, ठीक है। ये हमारे कैमरामैन आ गए हैं। हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लाइफ ऑफ कुल्लू। हेलो गाइस, कन्नू महंत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइफ ऑफ कुल्लू। ओके सो गाइस अभी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर मिलिए मेरे क्लासमेट से, कॉलेज में हम साथ पढ़े थे। हेलो मेरा नाम संदीप कुमार है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आज पराशर ऋषि के दरबार में घूम रहे हैं। सभी प्रसिद्ध साथी जो है हर्षोल्लास में है, खुश है।
प्राची ऋषि के दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ पे देख सकते हैं आप सुंदर नजारा है। हाँ, बहुत सुंदर नजारा है। दिल्ली कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कितना प्यारा दृश्य नजर आ रहा है। और यहाँ पर मेरे ये दोस्त मेरे को अकेला छोड़ के चले गए। तो उनको भी लेख लगाना पड़ता है भाई। उनको जो था उसमें डाल दिए ना। तो अभी यहाँ पर खा रहे खाना। यहाँ पर देखिए काम में लगे है, चाट बना रहे हैं, सैलेड है साथ में, सैलेड। अच्छा, और यहाँ देखिए योगिता आज अपने में ही बिजी है थोड़ी। मैं नहीं हूँ अपने में बिजी। इन लोगों से पूछ लो कि पुष्पा अपने में बिजी है, आप अपने में बिजी। ये सबसे अच्छे इंसान। यहाँ देखिए लोग भी लगे मेरे को बोलने। आइए जी यार, वाओ, देखिए हमारे कुमियों को इस मौसम में इसको खाने का मजा ही कुछ और आएगा। क्यों जी? हाँ, आएगा ना। वाओ गाइस, अमेजिंग लोकेशन। या देखो लिया, अरे ठीक है। ये देखिए चारों तरफ कितना अच्छा व्यू है। गरीबो खाओ, थैंक यू, इतना अच्छा टेस्टी बनाने के लिए। अभी यहाँ पर दे रहे हैं गाइस, उसके बाद हमने माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है। और यहाँ जितनी देर पास इतनी इतना बीच में दो। एक और सेकंड में बस। मेरे दोस्त ऐसे है ना, मेरे को भगा रहे हैं बहुत ज्यादा। हमने नहीं भगाया, एक तो ऐसे थक गए हैं बहुत ज्यादा आज नाच नाच के। और मैं खुद नहीं नाची हूँ। पुष्पा कितना नाची है। ये सब ना मैं तो नाची, पर इनके नाचने से ना मैं सोच रही थी मैं ही नाच रही हूँ। इतनी थक गई मैं, पता है। आप पुष्पा गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? ऐसे गिर गई थी। इनका पता क्या मोटिव है, इन्होंने ऊपर जाना है, पर अभी हम बैक चलेंगे। जाओ चढ़ो, जिसने चढ़ना है, मैं तो नहीं आ रही। और जी अभी यहाँ पर बारिश लगी है, तो अभी हम जाएंगे। सफर होता है खत्म। यहाँ पर अभी नहीं, अभी आपको हम बस की जर्नी दिखाएंगे प्राशर का। तो अभी यहाँ पर आने का मौका पता नहीं शायद कब मिलेगा, जब भी मिलेगा तो आ जाएंगे है ना। सो नाच नाच के नहीं थके, अभी नाच रहा है, और भी नाचो, बहुत ज्यादा नाचना है। अभी हम इस लोकेशन में रुके हैं। जोड़ते खेले ही सजन निकलू बेकार, अधी बता चढ़ू बिगड़ू। कितना मजा आया आज तब।
बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल है ना, बहुत एंजॉय किया बहुत ज्यादा। हमारा ये लास्ट टूर है अपने बीएड वालों साथ। अभी हम लोग के पास 2-3 महीने हैं, हम लोग के पास ये कंप्यूटर बन चुके हैं हमारे। अच्छा चलो एक याद रह जाएगी, आप हमारे ब्लॉग में आए। वक्त बीतता चला जाता है, साथ रह जाती है यादें। इन्हीं खट्टी मीठी यादों को साथ लेकर मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।